तो जैसे कि हमने देखा और सीखा कि कैसे एडन गुरु वेबसाइट के ज़रिए हम अपने दोनों परियोजनाओं में खुद को जोड़ सकते हैं, आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एडन गुरु मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हम खुद को एडन गुरु की दोनों परियोजनाओं में जोड़ पाएंगे। खुद को एडन गुरु मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर करने से पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड आप दो माध्यम से कर सकते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो गूगल प्ले स्टोर में जाके एडन गुरु सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर में जाके एडन गुरु सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे। तो हम गूगल प्ले स्टोर में गए और हमने एडन गुरु टाइप किया, और देखिए एडन गुरु टाइप करते ही एडन गुरु की दो एप्लीकेशन के ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप पहली परियोजना योर मार्क्स योर डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाएंगे, और दूसरी जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वो है स्पोकन इंग्लिश की एप्लीकेशन, जिसके साथ हमारी जो दूसरी परियोजना है आप उसकी फैसिलिटी उपलब्ध कर पाएंगे। तो आइए पहले हम योर मार्क्स योर डिस्काउंट परियोजना से जुड़ने के लिए पहली मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। मैंने ये इंस्टॉल का बटन दबाया, अभी ऐप इंस्टॉल होगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको एडन गुरु मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा ताकि वो ऐप खुल जाए। ऐप खुलने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एडन गुरु ऑफ़र का एक टैब आ रहा है, उस टैब पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही उस टैब पे आप क्लिक करते हैं आप एडन गुरु वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट खुली आपने देखा कि वो आपसे एक कोड मांग रहा है जिस पर लिखा है अप्लाई कोड। आपको अपना एम्प्लॉय कोड या फील्ड वर्कर कोड उसमें डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने हमारी जो दो परियोजना हैं वो आ जाएगी। पहली परियोजना योर मार्क्स योर डिस्काउंट और दूसरी परियोजना स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि ये मोबाइल एप्लीकेशन आपने योर मार्क्स योर डिस्काउंट परियोजना को लेने के लिए इंस्टॉल किया है, आप योर मार्क्स योर डिस्काउंट जो आपके वेबसाइट पे लिखा आ रहा है उस पर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है। उस फॉर्म में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वो आपको सारा इसमें फॉर्म भरना होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, उसके बाद आपका सरनेम, जैसे आपका लास्ट नेम है, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉय कोड डालना मान्य है, ज़रूरी है। ये सारी फील्ड्स आपको ज़रूर भरनी होंगी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे फॉर्म में उसे सही डालिएगा, ताकि हमें आसानी हो और सुविधा हो कि हम आप तक पहुँच सकें, आपको आपके प्रोग्राम के लिए सहायता कर सकें। तो इस एम्प्लॉय कोड आपने अपना डाला, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे ही आपने ये टैब आप देख पा रहे हैं वर्टिकल, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप सब्जेक्ट ट्यूटोरियल यानी कक्षा स्कूल कक्षा का आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। टेस्ट प्रिपरेशन यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, जैसे कि आप IIT इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, नीट के एग्ज़ाम यानी मेडिकल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे है, SSC है, सिविल सर्विसेज, UPSC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टेस्ट प्रिपरेशन सिलेक्ट करना होगा। तो आइए आप एक रेफरेंस के लिए मैं सब्जेक्ट ट्यूटोरियल सिलेक्ट करता हूँ। आइए एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम सब्जेक्ट ट्यूटोरियल को एक बार सिलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट ट्यूटोरियल पर मैंने एक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने एक और इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगा है कि कौन से एजुकेशन बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, CBSE या स्टेट बोर्ड। तो मैंने CBSE क्लिक किया। CBSE क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी भाषा में आप प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, कौन सी भाषा में आप ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा में। तो चलिए मैं एक इंग्लिश का टैब सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। अभी एक और टैब आया जिसमें आपसे पूछा कि आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं, कौन सी कक्षा के स्टूडेंट हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं एक 7वीं कक्षा चूज़ कर लेता हूँ, मैंने 7वीं कक्षा चूज़ किया। नीचे टैब में आप देख पा रहे हैं वो आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने प्रीवियस लास्ट ईयर का मार्क्स डालना परसेंटेज। तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये सुविधा योर मार्क्स योर डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको पिछले साल का जो भी आपने मार्क्स अर्न किए हैं अपने स्कूल में वो आपको डालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मान लीजिए 60% मार्क्स लिए हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट।
मानते हैं कि आपने 70% लिया, मैं 70 एंटर कर देता हूँ। अब देखिए इसके साथ एक और टैब आ रहा है जिसमें आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना है। मैंने एक क्लिक करा और क्लिक करते ही मैंने मार्कशीट अपलोड कर दिया जो मैंने पहले से ही अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रखा हुआ था। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे वो सही अपलोड कीजिएगा ताकि वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन टीम के लिए आसान हो वेरीफाई करना। अब अगले टैब पे आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम डालना है और स्कूल का नाम डालना है। मैं आपसे दोबारा बताना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन डालना मैंडेटरी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन डालना होगा। अगला जो टैब है उसमें आपको सिलेक्ट करना है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है। उसके लिए आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करिए। एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अगले ही टैब में आपको कैप्चा कोड डालना है। ये इंटरनेट पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि 4 अंक आपके सामने आ रहे हैं जो आपको एक बॉक्स में साथ में दिए हुए बॉक्स में आपको एंटर करना है। 4 अंक हम डालते हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है, जो भी जानकारी डाली है वो सही है, उसके लिए आप अग्री कर रहे हैं। तो इस बॉक्स पे आप सिलेक्ट करिए, हम चेकबॉक्स पे टिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कि लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक कोर्स आ रहा है, क्योंकि आपने 7वीं कक्षा चूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के समय, तो आपको 7वीं कक्षा का ही कोर्स दिखेगा। तो आपने उस पर सिलेक्ट किया, आपने क्लिक करा। चलिए आइए आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। मैंने बाय नाउ पे क्लिक करा। बाय नाउ पे क्लिक करते ही एक नेक्स्ट विंडो खुल गया है जिसके अंदर वो आपको बता रहा है कि आपका कोर्स जो था वो 8,999 रुपये का था और उस पर आपको 70% डिस्काउंट दिया गया है, जैसे कि आपने रजिस्टर करते समय बताया था, इन्फॉर्मेशन डाला था। तो आइए चलिए अब अगले टैब पे क्लिक करते हैं जिससे आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप ये कोर्स जो है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो स्कीम है योर मार्क्स योर डिस्काउंट, ये आपको ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन यानी USB पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के थ्रू परचेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल हैंडलिंग चार्जेस देने होंगे, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव का कॉस्ट होगा या पेन ड्राइव का कॉस्ट होगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो आइए अब अगला टैब सिलेक्ट करते हैं जिसको सिलेक्ट करके वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको ये कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम के थ्रू लेना है। हम ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद एक नया पेज खुल गया जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट परचेज करा है। आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करिए। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपसे आपका एड्रेस क्यों पूछा जा रहा है जब आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया है। ये एड्रेस जैसे ही आप डालेंगे ये हमारे रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा। उसके बाद आगे फ्यूचर में जब भी हम आपके साथ कम्युनिकेशन करना होगा, आपको कोई रिकॉर्ड्स भेजने होंगे, हम आपके इस एड्रेस पे भेज पाएंगे। चलिए अब अपना एड्रेस टाइप करते हैं। ऐड एड्रेस पे क्लिक किया, मेरा नाम और मेरा सरनेम क्योंकि मैं पहले एंटर कर चुका हूँ वो अपने आप आ रहा है। उसके बाद मैं अपने गार्जियन की डिटेल्स डाल सकता हूँ। आगे रिकॉर्ड के लिए हमारे लिए आसान रहेगा आपके गार्जियन के साथ कॉन्टैक्ट करना। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 जिसमें आप अपना स्ट्रीट नंबर या आपका जो एरिया लोकेशन है वो डालेंगे। एड्रेस 1 में आप डालेंगे कि आपका होम नंबर क्या है, घर नंबर क्या है। उसके बाद कंट्री में इंडिया है। अभी आपसे आपका स्टेट का डिटेल पूछ रहा है, आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मैं दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं अपना शहर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया। उसके बाद पिन कोड डालना आपका अनिवार्य है, अपना पिन कोड ज़रूर डालें। पिन कोड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। आपने अपना एड्रेस सबमिट कर दिया। एड्रेस पर सबमिट करने के बाद अब वो आपसे आपका पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है पे ऑनलाइन। मैं पे ऑनलाइन सिलेक्ट करता हूँ। मैंने पे ऑनलाइन पे क्लिक किया और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, बहुत सारे विकल्प आ गए हैं जिसके ज़रिए आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आ रहा है डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, आप सबसे आखिर में आप देख पा रहे हैं EMI का ऑप्शन है, बीच में पेटीएम के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी ऑनलाइन साधन हो जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपने इसमें से कोई भी साधन सिलेक्ट किया, अपना डिटेल्स आपने एंटर किया और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि कितना आसान था एडुंगुरु की इस परियोजना के साथ जुड़ना। आपने इस ऐप इंस्टॉल किया, वेबसाइट पे गए, रजिस्टर किया, लॉगिन किया और अपना कोर्स परचेज कर लिया।
इसी तरह चलिए देखते हैं जो हमारी दूसरी परियोजना है स्पोकन इंग्लिश, उसके साथ कैसे हम जुड़ेंगे। तो मैं पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाऊँगा। मैं गूगल प्ले स्टोर पर गया, जो उसका दूसरा मोबाइल ऐप है स्पोकन इंग्लिश, मैंने उस पर क्लिक किया इंस्टॉल पे, और वो अब इंस्टॉल हो गया। मैंने अब मोबाइल ऐप को खोला, उसके सामने एडुंगुरु ऑफ़र लिखा आ रहा है टैब पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपने एडुंगुरु ऑफ़र पर क्लिक किया, वो आपको दोबारा एडुंगुरु वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपको आपका अप्लाई कोड डालना है, जो आपका एम्प्लॉय कोड है। आपने अपना एम्प्लॉय कोड डाला, सबमिट पर क्लिक किया, और आपके सामने वो दोनों परियोजनाएं खुल गई हैं। बट क्योंकि इस बार आपने एडुंगुरु स्पोकन इंग्लिश ऐप के ज़रिए लॉगिन किया है, तो आप स्पोकन इंग्लिश परियोजना पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। आपने क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करते ही उसका फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म में भी आपको पहले वाले फॉर्म की तरह आपका नाम, आपका सरनेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स डालना है। तो आइए देखते हैं जल्दी से कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। तो मैंने अपना नाम लिखा विक्रम, अपना सरनेम डाला, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाला। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका करंट क्वालिफिकेशन क्या है और प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको इसमें करंट क्वालिफिकेशन डालनी है अपनी और प्रीवियस क्वालिफिकेशन। मैंने करंट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया, मैंने प्रीवियस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया, और इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाला, पासवर्ड को रिकन्फर्म किया, आई एग्री टैप पे सिलेक्ट किया, ताकि मैं इसको सहमति दे रहा हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है वो सही है, और उसके बाद सबमिट। तो सबमिट करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का पैकेज कोर्स आ रहा है। आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, और जैसे कि हमने पिछली परियोजना में देखा कि कैसे ऐप के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, इसमें भी आपको वैसा ही करना है। मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया। अब आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने पिछली परियोजना में सीखा कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया आप उसको दोबारा समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमने सीखा कि एडुंगुरु मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप कैसे इन दोनों परियोजनाओं में जुड़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि हमारी दो परियोजनाएं हैं, और अगर आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर पर जाते हैं और आप एडुंगुरु लिखते हैं, तो आपको दो मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। कि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए आप स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिएगा, और दूसरी परियोजना के लिए दूसरा ऐप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एडुंगुरु के साथ अपना संपर्क बनाया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर जो टोल फ्री है 1-800-300-2020 पे कॉल कर सकते हैं, और कस्टमर सर्विस ईमेल आईडी जो है customercare@edunguru.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।